ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी वास योगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं, जिससे आप सबको आगे बढ़ने में सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। आपके पास कितनी तोप हो, कितनी तलवार हो, कितने बंदूकें हो, कितने भी कुछ हो, आप कुछ समय के लिए किसी को डरा कर धमका कर अपने कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु उनके दिलों पर राज्य नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए योग बल, उसके लिए चाहिए योग बल। ये योग बल क्या होता है? किस चीज का हम अनुभवी बने? बाबा की श्रीमत पर चल कर विजय प्राप्त करने के अनुभव। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करते जाएंगे, उतना हमारी खुशी और हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। प्रश्न आज की मुरली का प्रश्न वंडरफुल प्रश्न है। जिसमें बाबा को खुद वंडर है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर वंडर खाता, हमारे ऊपर वंडर खाता था कि बच्चे नालायक हैं, कितना मैं समझाता हूं वंडर है, समझते नहीं है। परंतु आज शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते, खुद पर उसको वंडर है। सोच सकते हैं क्या होगा शिव बाबा को खुद पर भी वंडर हो? बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं, कभी भी किसी से पढ़ा नहीं कि किसी ने मेरे को पढ़ाया हो, ऐसा भी नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं, इतनी कमाल की बात है, मेरा कोई बाप नहीं। तुम्हारे बाप हैं, शरीर का भी तुम्हारा बाप है, जीव आत्मा का भी तुम्हारा बाप है, आत्मा का भी तुम्हारा बाप ना होते हुए तुमने मुझे बना रखा है। परंतु कमाल की बात है, कहता है, देखो एक आपका बाप है,
एक आपने बाप बनाया है, तो जो बना हुआ बाप है वो बाप नहीं होता, वो गोद लिया बाप है। जब तक कहना माने तब तक बाप है, जब कहना मानना बंद कर दे जा भैया जा। तो हम शिव बाबा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं, जब तक कहना मान रहे हैं तब तक हम शिव बाबा के गोद लिए बच्चे हैं। जैसे ही कहना मानना बंद किया हमें उतार कर खड़ा कर देता है, जा रावण के बच्चे, रावण तेरी करेगा पूजा। चाहे उसे बाप बनाओ तो भी उसकी कंडीशन है कहना तुमने मानना है, मेरे को कहना मानने के लिए मत कह देना। मुझे जो मर्जी बना लो, नौकर बना लो, दास बना लो, दासी बना लो, पत्नी बना लो, जो मर्जी आए तुम मेरे को बना लो, परंतु याद रखना कहना तुमको मानना, कहना मुझे नहीं मानना है, कहना वो नहीं मानेगा। ऐसी क्यों नहीं, जब बुलाते हो तब मैं नहीं आता हूँ, ऐसा भी कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि मैं अपना ड्रामा करता हाँ, असली बात यही है। बस वो मूर्ख बनाने वाली बात है, जब तुम बुलाते हो मैं आता हूँ, वो सिर्फ बुद्धू लोगों को बताने की बात है। हाँ, भागवत लोगों को, जो बुद्धू है अंधे है उनको जो मर्जी बहका दो, परंतु सच यही है। हाँ, सच यही है कि अपने टाइम पर आता है, सच्चाई ये समझनी। टाइम से पहले जरा भी पहले ना आवे, एक सेकंड भी पहले नहीं आता। और जो आज पाया है, हैं जी, सच्चाई बता दिया, अपना अंत बाबा ने बता दिया कि मैं भी एक सेकंड लेट नहीं हो सकता, एक सेकंड भी लेट नहीं हो सकता। हाँ, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर भी नहीं, गुरु भी नहीं है, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, ना सतयुग में आता हूं, ना त्रेता में आता हूं, ना द्वापर में आता हूं, ना कलयुग में आता हूं, ना मैं संसार को भोगता हूं। फिर भी कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देते, फिर भी हाँ जी हमें एक जन्म की भी कहानी याद ना रहे, सवेरे नाश्ते में क्या खाया था वो भी याद ना रहे, नहीं सिर खाए तो बता दे, नहीं तो बहन जी रटवा देती है कि आज का वरदान रट के आना। वो पूछेगी जब जाना होता है, तो फिर आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में से पहले खोल करके देख लेते हैं, दीदी पूछेगी वरदान क्या है, उस टाइम देख के फिर दीदी को बता देंगे कि दीदी आज ये, आज का वरदान ये है, आज की मुरली का सार ये है। क्या करें दीदी, ये बहुत अच्छा बच्चा है जो याद करके आता है, जब पूछो तब सुना देता है। पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता, 84 जन्मों की तुम्हारी कहानी सुना देता हूं, खुद 84 जन्म के चक्कर में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता, चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं, जरा भी मिस्टेक नहीं हो सकता। कितना वंडरफुल है, खुद के ऊपर वंडर आ रहा है, क्या ये वंडर हमें भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है कि हमारा बाप ऐसा वंडरफुल बाप है जो किसी चीज को खाता नहीं, गुलाब जामुन का कभी टेस्ट नहीं लिया, बता देता है कि गुलाब जामुन मीठा होता है, रसगुल्ला भी नहीं खाता, नमकीन भी नहीं खाता, मीठा भी नहीं खाता,
तब बाबा नहीं खाता, तब भी जो है ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा उसका आनंद लेती है और पेट दादी के में जाता है, क्योंकि दादी केला नहीं खाती, दादी केला नहीं खाती और ब्रह्मा बाबा को केला पसंद है, इसलिए केले का भोग भी लगाया जाता है, केले का पीस काट के एक रखा जाता है और वो पीस जो है किसके पेट में जाता है, दादी के पेट में जाता है। स्वाद कौन लेता है? ब्रह्मा बाबा लेता है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, रूहानी बाप तुम्हें क्या बना देते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो, जरूर तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं, तो इसमें समझ जाना चाहिए। शिव बाबा बाप, शिव बाप में सारा ज्ञान, ये अपनी बुद्धि के अंदर रखो कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनता। हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनता। चक्र को जानता है परंतु चक्र को चलाता नहीं, हमें चलाना पड़ता है। क्यों हमें क्यों चलाना पड़ता है? हमें इसलिए चलाना पड़ता है कि हम भूल गए, हम भूल गए, हम भूल जाते हैं। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हम ही देवता थे। अच्छा, देवता तो तब बनेंगे जब बुराई का गला काटेंगे, बिना बुराई का गला काटे तो देवता बन नहीं सकते। हमें बार बार चलाना पड़ता है, एक बुराई काट दी फिर देखना पड़ता है, अच्छा अभी भी नहीं पूरा हुआ, अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। हमें एक एक कमी को निकालने के लिए बार बार सुदर्शन चक्र चलाकर अपने आप को देखना पड़ता है, मेरे में कहां कमी है। बाबा अभोक्ता होने के कारण उसमें कोई कमी नहीं आती, उसे कमी देखने की जरूरत नहीं, उसे सुदर्शन चक्र चलाने की। अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं हम ब्राह्मण, परंतु बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहां से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है कि हम बार बार सुदर्शन चक्र चलाकर अपनी बुराइयों का गला काटकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु बाबा ने चलाया भी नहीं, फिर भी कैसे उसको अनुभव हुआ? बाबा कहां से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं 84 जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूं, फिर मेरे में ये ज्ञान कहां से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना, ये शिव बाबा कैसे पढ़ा, इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है, ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है, ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, हमारा टीचर कैसा है? वंडरफुल टीचर, वंडरफुल टीचर।
वंदर खाना चाहिए ना। शिव बाबा वंदर खुद खाता है और हमें भी कहता है हमें भी वंदर खाना चाहिए ना, तुम्हें भी। इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। तुम वंदर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहां से, ईश्वर में ये ज्ञान कहां से आया, तुमको समझ आते हैं। उनका तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो, तुम सब भाई भाई हो, वे एक कैसे तुम्हारा बाप है। शिव बाबा वो तुम्हारा कैसे तुम्हारा बाप है, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं शिव बाबा, कितनी नॉलेज बैठ कर तुम बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, खुद समझा रहे हैं बच्चों, मैं 84 जन्म नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना कि बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा, जब तुम 84 जन्म नहीं लेते हो, तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कोई पढ़ाने वाला बाप नहीं है, फिर तुमको कैसे मालूम पड़ा, कैसे कहते हो गुलाब जामुन मीठा होता है, कैसे कहते हो कि घिया कड़वा होता है, घिया घिया भी कभी कभी कड़वा होता है ना, हैं जी। टेस्ट नहीं कर रखा और सब कुछ पता है, और कहां कहां हम गलतियां करते हैं, कैसे कैसे गलतियां करते हैं, कैसे कैसे शिकायतें करते हैं, कैसे कैसे बाबा पर दोष लगाते हैं, सारा पता है, छोटी छोटी बातें सारी पता है। फिर कहता है मेरे पास तुम्हारे पास मेरे, मैंने हर एक का अपना अपना रजिस्टर भी तुम्हारा रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बता देते। हाँ रजिस्टर रखे बिना कहता है मैंने रजिस्टर रखा हुआ है, बुद्धू बनाता रहता है, हम भी बुद्धू बनते रहते हैं। हाँ हाँ जी हाँ, ये शब्द जो है ना बड़ा वंडरफुल है कि ड्रामा अनुसार वो सब कुछ जानता है, ड्रामा अनुसार वो सब कुछ करता है। समझाने के लिए बोलते हैं बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा, बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ही ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है, खुद चक्कर में नहीं आते परंतु उनमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली, तुमको तो मिली बाप से, बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेज फुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेज फुल कहा जाता है। ये वंदर है ना, इसलिए ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है, बच्चों को वंदर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेज फुल कहा जाता है, एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी, तो दो आत्माएं है ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे
तो ये कोई दो आत्माएं नहीं, आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें, ब्रह्मा सो विष्णु नारायण अर्थात, या मतलब विष्णु कहो या नारायण कहो बनता है। तो इसको कहा जाता है गुह्य बातें, ये गुह्य बातें। अब भगत नहीं समझ सकते, भगत ले ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, नारायण अलग है। और कुछ लोग कह देते हैं कि विष्णु ही नारायण है। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके, सिवाय बाप के तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। ब्रह्मा की और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की कोई दो आत्माएं नहीं है। मतलब वही आत्मा सरस्वती है, वही आत्मा फिर लक्ष्मी बनती है। आत्माएं हैं या एक, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक, आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं आत्मा एक। शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है गुह्ये गुह्ये बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझना चाहिए, समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुर परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। ये खेल है, बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते, बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं, शिव बाबा को किसी ने भी सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्कर को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते, फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर के नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कलप है भक्ति, आधा कलप है ज्ञान मार्ग। हाँ जी, शिव बाबा स्मृति में नहीं आते ना, तो बाबा के लिए तो कल की बात, बाबा के लिए तो कल की बात लगती है, हमारे लिए तो जन्म जन्म की चक्कर में पड़ जाते हैं। बाबा सो जाता है आराम से 4900 साल के लिए, कोई मतलब नहीं, सारी दुनिया चलती रहेगी। ये नहीं कि कोई उल्का पेंट, कोई जहाज, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, कोई चिंता में नहीं। अब इतनी सारी दुनिया टेंशन में है, बॉम्ब्स मिसाइल चलाने पर लग रही है, विनाश के सारे सब कुछ कर रही है, उसको है कोई टेंशन? इतने लाखों लोग मर रहे हैं, कितने बेघर हो गए हैं, कितने तड़प रहे हैं, बाबा को कोई टेंशन? ये बात भी शास्त्रों में नहीं है, ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार
भक्ति मार्ग में बने हैं, तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी, सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। अब पता है बाबा को कि ये लंबी कर दी है। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो बता देता है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वही अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहां ही है। राम राज्य की गद्दी भी यहां होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला है बाप, पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप ने नीचे आकर राज योग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूं ब्रह्मा तन में, मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना तो ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, शिव बाबा के बच्चे क्या हैं शिववंशी, जब निराकार आत्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है वो है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वे भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को
अपना शरीर ही नहीं है, वो है परम आत्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो और वो कोई से भी सीखा नहीं। परमात्मा कोई से भी सीखा नहीं, ये तो फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कह सकते हो, कहते हो, टीचर भी है कहते हो, गुरु भी कहते हो, एक ही कोई भी आत्मा बाप टीचर कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती। कोई भी आत्मा ना बाप बन सकती है, ना टीचर बन सकती है, ना गुरु बन सकती है। एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूं, फिर तुम्हारा टीचर भी बनता हूं, फिर मैं तुम्हें ले जाकर फिर मैं तुम्हें क्या करता हूं, तुम्हारी सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूं। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बस और कोई गुरु नहीं है जो सबको क्या दे सके, सदगति दे सके। बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूं, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को, पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, ये हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेंगे, सबके 84 जन्म नहीं होंगे, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं। जो सतयुग के आदि में पहले 150 साल के अंदर आ जाते हैं उनके ही 84 जन्म हो सकते हैं, जो 150 साल से लेट आए उनका एक जन्म कम हो जाएगा। मैक्सिमम 84 जन्म है, ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानोवाच, अब तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापना करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है, जो पहले नंबर में आया, ये बातें समझने की, ये बातें क्या है समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के,
भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग, बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा हमको आकर क्या करो, पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख मिला और फिर मर गया तो दुखी हो जाए, फिर गालियां निकालेंगे, जब इसको तूने मारना ही था, दिया ही क्यों। हमारे अंदर उसके प्रति प्यार पैदा क्यों किया, क्यों प्यार किया पैदा, फिर ना देता। तैतीस करोड़ भी क्यों रखा है, 33 करोड़ देवी देवता है, पता नहीं क्यों रखा। बता दिया कि हमें सब कुछ चाहिए, आगे लगा रही है। या यहीं पर है, बाबा से पूछते हैं ना तो जवाब दे देते हैं वो। ना पूछा ना, सारे पूछे, नहीं भी पूछे तो उनके जवाब पता है। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं ये ड्रामा 5000 साल का क्यों बनाया, तो बाबा कहते हैं यदि मैं 4000 साल का बनाता तो भी तुम कहते कि 4000 साल का क्यों बनाया, मैं 6000 साल का बनाता तो भी तुम कहते कि 6000 क्यों बनाया। सुन, तुमने पूछा और क्या करना है, 9 लाख का क्या कहोगे, 9 लाख कहूंगा 9 लाख क्यों बनाए, 10 लाख कहता तो भी 10 लाख क्यों बनाए, मैं कहता 9 108 है तो क्यों। अभी 108 का भी राज बाबा ने स्पष्ट किया, ये 108 भी तुमने बनाए हैं, मैंने कोई 108 नहीं बनाए, तुम जितने बनना चाहो बन सकते हो। तो हमने व्यक्त मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने कहा कि मैंने 108 नहीं बनाए, तुमने 108 बनाए हैं, क्यों नहीं, तुम यदि मेहनत करो तो मैं जो ना तुम्हारे लिए मतलब 108 की माला नहीं, मैं ना कई लड़ियों वाला हार बना दूंगा। एक लड़ी में 108 होते हैं ना, तो दूसरी माला बना देंगे 108 की, उसमें लड़ी लगा देंगे। और पहले होता था 9 लखा हार, मतलब 9 लखा हार भी होता था, है ना। तो इस प्रकार के जो है ना ये सारी बातें जो है ना, कई लड़ियों वाला हार, 10 लड़ियों का, 8 लड़ियों का, 6 लड़ियों का, 4 लड़ियों वाला हार पहनते थे, मतलब माला एक होती थी पर तो उसमें लड़ियां बहुत सारी डली होती थी। कहते तुम मेहनत करो, मैं 108 की कई लड़ियों वाला हार पहन लूंगा, तुम बनने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, तुम इसकी चिंता मत करो। तो राजा ने 108 की माला बताते हैं ना, भक्ति मार्ग की है ना सारी बातें। 108 की माला, 108 की, 108 की माला, तो दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है, ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो, तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहां तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं, कहते हैं मुझे अपने मुझे अपने बाप को याद करो,
मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूं, कोई से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। मैं किसका बच्चा नहीं हूं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु हूं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। जब तक वो ना सुनावे, शिव बाबा आकर हमें ना सुनावे, तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते। इस चक्र को जानने से तुम क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ा था। कौन सा बाबा नहीं पढ़ा था? तुमको ये ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा था। हाँ, ये भी पढ़ता है, फिर समझाता है। इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात, ये क्या है? नई बात है ना। ये होते ही हैं संगम युग। शिव बाबा आता ही कब है? संगम युग पर। ये दालें, ये वर्षे, ये सब्जियां, ये दुनिया के जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है दुनिया का, हमारे जो रोजाना का यूज होने वाला है, ये क्या है? एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट पहुंचता। ये पुरानी दुनिया एक्यूरेट टाइम पर खत्म हो जाएगी। किसकी दबी रहेगी धूल में? किसकी क्या है? राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। किसकी राजा खाए? किसको कहते हैं? बहुतों बच्चों को कहते हैं, बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम सबको देने के लिए पहले क्या खोलो? पाठशाला। जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में सुख और रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वो है निर्विकारी वर्ल्ड। वो है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि का भी, लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे होंगे, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहु बल से योग बल से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, बाहु बल से हम विश्व के मालिक नहीं। लॉ नहीं है, नियम नहीं है कि कोई बन जाए। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की आत्माओं को
विश्व की सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तुम बच्चे याद की बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सबसे पहले क्या करना है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही दुनिया में दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो तुम दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। क्यों बंधन है ये? हाँ जी, कलयुगी संबंध, ये कलयुगी जो हमारे रिश्ते हैं वो इस समय बंधन है। बंधन है, हम छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकते, हम साथ रहना चाहें तो साथ रह नहीं सकते। उन्हें भूल जाओ। स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना। जो दुनिया वाले रिश्ते हैं वो बंधन है, उनको भूल जाओ। स्वयं को समझो कि ये ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण समझना है, सच्ची गीता ज्ञान सुनाने वाला समझना है। और सच्ची गीता सुननी भी है और सबको सुनानी भी है। नंबर दो, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सब कुछ सफल करना, इसलिए आपके पास जो कुछ है, तन मन धन और चन, इन सब को क्या करना है, सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला, गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलने की आवश्यकता है। इसलिए क्या करना है, हमें ये पाठशाला म्यूजियम खोलने, वरदान बाप की आज्ञा समझ। इसको क्या समझना है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात एक्यूरेट साइंसर बनेंगे। एक्यूरेट बाप की आज्ञा है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भाव। हमें सहनशील बनना है हर समय। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट है, फिर भी हम सहन करना पड़ता है। हम राइट है फिर भी हम सहन क्यों करें, मरना पड़ता है। सहन करना पड़ता है, मरना प-
पड़ता है, लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट है। मैं नंबर लेना चाहता हूं, धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से। लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। मोहब्बत की दुकान खोलो और एक नफरत की दुकान खोलो, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है, सहनशील बनो। तो आज्ञाकारी मार्ग, आज्ञा समझ कर, आज्ञा है, आज्ञा मान ली तो फिर छोड़ते क्यों हो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसको ही परिवर्तन मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग भी इसी को कहा जाता है। परिवर्तन कर लेना, इसकी मार्क्स हैं, इसके नंबर मिलते हैं। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं तंदुरुस्त रहते, बीमार क्यों रहेंगे? तंदुरुस्त मतलब खुशी की खुराक खाते रहो, तंदुरुस्त रहो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9293 पर पहुंच सकते, संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9216986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल टेलीग्राम करें और व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। अच्छा, ओम शांति।